Never miss a prediction videos. Channel subscribe करके bell icon press करें and stay updated for latest videos. आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले बहुत दहाड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, मगर नहीं, सिंह राशि वालों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों। सिंह राशि हमारे उद्धव साहब की भी है। सिंह राशि के छठे घर में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है और कहते हैं जब शुक्र छठे घर में आता है तो कोई बड़ा रोग दे देता है, इसलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। समय की सारणी, पर्टिकुलरली लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना है आपने। कतई खाने पीने के ऊपर परहेज करना है, अलगर्जी नहीं, केयरलेस नहीं होना है, मगर कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये 5 महीने आपके लिए नया उदय काल हो सकता है। सिंह राशि वालों को जो विदेश में जाना चाहते थे, जो मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते आ रहे हैं, पिछले 5 सालों में जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब मिलती हुई दिखाई देती है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य जो है वो पूरे संसार को प्रकाश देता है। एक ऋषम जो सुबह उगती है तो पूरे अंधकार को मिटाकर खत्म कर देती है। आपके पास वो शक्ति है, उस शक्ति को संजोने के लिए मुद्रा प्राणायाम करें, मुद्रा योगा करें। सिंह राशि वालों के लिए यह बरस उत्तम तो है, मगर बहुत सी सावधानियों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक, पत्नी के साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार मत करें। दो, जुआ मत खेलें। 3, शराब मत पिएं। 4, किसी भी तरह का व्यसन, तंबाकू, सिगरेट, इसको छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते हैं तो कोशिश करें, रिहैबिलिटेशन में जाएं, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की सलाह लें। सिंह राशि वालों के लिए ये पूरा साल 60% उत्तमता भरा दिखाई देता है। लाल रंग का उपयोग करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य को रोज अर्घ और पानी दें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और पंचम भाव में शुक्र और, देखो मैं शुक्र और शनि के ऊपर बहुत इंप्रेस कर रहा हूं। शुक्र और शनि, देखिए कलयुग में जा रहे हैं हम, कलयुग, घोर कलयुग में हम जा रहे हैं। पिता पुत्र का नहीं, पुत्र पिता का नहीं, कहीं ना कहीं हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो कन्या राशि वालों के लिए 5वां घर शुक्र और शनि का है। शुक्र और शनि आपके पंचम स्थान पर, जो बच्चों का है, बच्चों के माध्यम से आपको बहुत सुंदर योग बनते हैं। बच्चा स्कूल नहीं जाता था, अब तो अचानक पढ़ने लग गया, फर्स्ट क्लास आने लग गई। विदेश जाना चाहता था, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो भी मिल रही है। पत्नी के साथ आपके व्यवहार मधुर होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी तो आपको विवाह करना था, तो कन्या राशि वालों का यह साल आपकी गर्लफ्रेंड के साथ विवाह होता हुआ दिखाई देता है। बहुत सालों से माता पिता की सहमति नहीं थी, वो इस साल होती हुई दिखाई देती है। तो मुबारक आपको कन्या राशि वालों को, स्वामी बुध हैं। कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं, इसलिए ट्रेडर्स को सुंदर बड़ा लाभ। छोटे मोटे काम करते थे, अपना ऑफिस खोलकर बैठ जाएंगे, ट्रेडिंग पोर्टल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जो किराने का काम करते हैं, खाद्य पदार्थों का काम करते हैं, उनके लिए भी सुंदर योग बने हुए हैं। कन्या राशि वालों से एक और अनुरोध है कि ओम बुम बुद्धाय नमः, आप भी एक पन्ना धारण करें, क्योंकि राशि अधिपति, लग्नाधिपति जो है वो आपने पहनना चाहिए। उससे आपको जीवन में छोटे छोटे जो आपको कष्ट आते हैं उनसे उनका निवारण हो जाता है। कन्या राशि वालों के लिए भी, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या लोग जो लोग मेटल के क्षेत्र में हैं, उनको धन लाभ के सुंदर योग बनते हुए हैं। और यह साल जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपके लिए 70% उत्तमता भरा दिखाई देता है। कोशिश करें कि शादी होने के बाद भी इधर उधर ज़्यादा मत देखें।
ब्लिंकर डाल लें ये साल, अपने आप धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे। बच्चों के ऊपर विश्वास करें, उनको आप उनके कार्य अपने आप करने दें। इसलिए कन्या राशि वालों को भी यह साल 70% अच्छा होते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 23 तारीख को शनिदेव भी बदल जाएंगे, उससे और प्रभाव बनेगा। तो आइए अगली राशि की बात करते हैं जो ऐश्वर्य और राजयोग के साथ जुड़ी हुई है। जो संसार के सब फिल्म वाले, जो संसार के सब ऐश्वर्य, जो लोग कैसीनो चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बार्स चलाते हैं, क्लब चलाते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है शुक्र की अपनी राशि तुला राशि। तुला राशि दो राशियां हैं जो शुक्र जिनका अधिपति है, तुला और वृषभ राशि। तो तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह साल इतना उत्तम है क्योंकि आपकी राशि में शनि और शुक्र, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे होने की वजह से शश योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। शश योग का मतलब ये होता है कि राजा की भांति आप यहां भी जाएंगे, आपका ऑरा, आपकी आभा, आपका चरित्र लोगों को पसंद आएगा और लोग आपको प्रणाम करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो भी कार्य शुक्र की राशि तुला वाले यह साल में शुरू करेंगे, उसको 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500% उत्तमता और प्रसिद्धि और लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तुला राशि वालों के लिए यह साल, देखिए आपने 2016, 2017, 2018 तक बहुत तकलीफ देखी, बहुत सी समस्याएं देखी, उन समस्याओं से जूझते हुए 2019-20 से, चाहे कोरोना था, 20 से आप बाहर आते गए, मगर बाहर आते आते आप ये समझ लीजिए कि जनवरी फरवरी 2022 के बाद और यह साल पर्टिकुलरली आपके चौथे घर में शुक्र और शनि आया हुआ है। यह साल चौथे घर में शुक्र और शनि आया हुआ है, जिसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर दोनों में है। जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी, जिसकी तरफ देखेंगे वो आपके साथ चलेगा। जो आपको नहीं पहचानते थे वो आपको फोन करके अपने बारे में और अपनी सहायता के लिए डिमांड करेंगे। एक तो हो गया ये, और दूसरी एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, 15 अप्रैल 2024 तक तुला राशि वालों को कोई राजनीतिक बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आपका कपड़े का व्यापार है, डायमंड का व्यापार है, गोल्ड का व्यापार है, तो ये साल से अगले 5-7 साल आप एक अपना नया एम्पायर खड़ा कर लेंगे। और जो लोग शल्य चिकित्सा के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ऑपरेशन डॉक्टर हैं जो, या जो टेक्निकल लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शल्य चिकित्सा मतलब जो लोग ऑपरेशन करते हैं, उन डॉक्टरों को ऑपरेशंस में 99% सफलताएं मिलेंगी। और जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, शुक्र और शनि तंत्र के देवता हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा, विदेशों में उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। समय ऐसा है कि इसको आप मुंडी नीचे करके अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको 3 गुना और लाभ मिलेंगे। मैंने तो आपको 500 गुना लाभ बोला, 100 का 500, तो 300 गुना और पकड़ के चलिए। अगर आप अपने दिमाग को, मुंडी को, यानी आपके अभिमान को घर पे रख के जाएंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, एम्पायर बनता जाएगा। पत्नी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना अति अनिवार्य है। माता पिता, माता का घर है चौथा, माता का स्वास्थ्य भी आपके लिए लाभकारी होगा, अच्छा योग बनता हुआ है। हो सके तो हर शुक्रवार को, हो सके तो एक महीने के एक शुक्रवार को माता के हाथ से एक नारियल लेकर सफेद कपड़े में बांध कर महालक्ष्मी के मंदिर चढ़ा दें, या फिर आप समुद्र देवता को विसर्जन कर दें, क्योंकि समुद्र तनया लक्ष्मी, समुद्र से ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ।
ऋषि धन्वंतरी जो है समुद्र से बाहर लेकर महालक्ष्मी को धन्वंतरी जयंती के दिन आए और उन्होंने पृथ्वी के ऊपर नवरत्नों के साथ उस कुंभ को स्थापित कर दिया। तो शुक्र की ये सुंदर राशि जो है तुला, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सुंदर लाभ के योग बने हुए हैं। महीने में 3-4 दिन सफ़ेद कपड़े पहने कोशिश करें, सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद चंदन लगाएं। और आपकी राशि में इस वक्त 95% to 100% बहुत कम राशियां हैं जिनमें 100% लाभ के योग बन। मैं तो 500% बोल दिया आपको, तो इसलिए इसको और अच्छा करने के लिए मन को शांत रखें, बहस मत करें, क्योंकि लाभ योग राजयोग बना हुआ है। बहुत बहुत मुबारक। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि की जब भी मैं बात करता हूं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी याद आ जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि ही उनका है। देश के लिए एक नया गौरवशाली साल, और वृश्चिक राशि वालों के लिए विश्व भर में प्रसिद्धि के सुंदर योग बने हुए हैं। मगर आपसे भी अनुरोध है कि कुछ भी बोलते समय अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। तुला राशि वालों को तो कुछ जो खाली शांत रहना है, आप अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में बुध की युति दूसरे कुछ ग्रहों के साथ आपकी वाणी के ऊपर नियंत्रण खो देगी, जिससे बोली हुई बात आपकी पकड़ लेंगे लोग और आपको नुकसान होगा। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वो गणपति बप्पा, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि ये साल का आरंभ ही मंगल के साथ, मतलब मंगल की राशि मंगल का अधिपति है। साल तो नया साल तो रविवार को शुरू हो रहा है, सूर्य का दिन है वो, मगर मंगल ये राशि के स्वामी कौन है? मंगल। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए गणपति बप्पा की आराधना जरूर करें, गणपति बप्पा के श्लोक जरूर पढ़ें। राजनीति में बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देती है, और जो लोग 70 साल के आगे चले गए हैं उनको कहीं ना कहीं महामहिम बनने के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि वालों को, यानी महामहिम मतलब गवर्नर बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी भी तरह का खाद्य पदार्थों का व्यापार उत्तमता भरा रहेगा। अगर आप रेस्टोरेंट या आप मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा सबवे किसी तरह की फ्रेंचाइज चलाते हैं तो 1 के 2, 2 के 4 हो जाएंगे। वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि होने की वजह से रियल एस्टेट वालों को धन लाभ के योग बनेंगे। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो प्रोजेक्ट खड़े हो जाएंगे। लोग आपको आकर धन का समर्थन करेंगे और आप वो प्रोजेक्ट से प्रॉफिट में निकलोगे। इसलिए मंगल धरती के साथ जुड़ा हुआ है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम। मंगल धरती का देवता है और आपकी राशि का अधिपति है। मंगलवार को उपवास रखें, मंगलवार को गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं, मंगलवार को अपनी पुत्री को किसी भी मीठे चीज का भोग लगाएं। पुत्री और पत्नी और माँ लक्ष्मी है, आपके घर की लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये साल 90% उत्तमता भरा दिखाई देता है। कभी कभी लाल रंग का उपयोग करें, लाल कुर्ता, लाल टी शर्ट, लाल कलर का उपयोग करें, या लाल कलर की कोई वस्तु अपने जेब में रख लें। रूबी पहन सकते हैं, मंगल का स्टोन मूंगा भी पहन सकते हैं। ये साल आपके लिए अच्छा है, 90% उत्तमता भरा दिखाई देता है।